तो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे वन प्लस के 8 लाइट के बारे में। तो गाइस, मैं आपको बता दें कि पहले लीक्स आ रहे थे कि जो वन प्लस का 8 लाइट होगा वो एक मिड रेंज स्मार्टफोन होगा, जिसकी जो प्राइस होगी वो आपको 20,000 के अंदर देखने के लिए मिलेगी। तो गाइस, अब लीक्स आ रहे हैं कि जो वन प्लस का 8 लाइट होगा उसमें आपको एक फ्लैगशिप स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलेगी, और जो आपको प्रोसेसर मिलेगा वो भी आपको एक फ्लैगशिप परफॉर्मेंस के साथ देखने के लिए मिलेगा, और आपको काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलेगी, और इस स्मार्टफोन की जो प्राइस होगी वो आपको 30,000 के ऊपर देखने के लिए मिलेगी। तो गाइस, इस वीडियो में आपको इसी स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन, प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में बताऊंगा, तो आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ लगे बेल को दबा दीजिए, ताकि आप आने वाले अपडेट्स को मिस ना करें। तो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लें इसके डिस्प्ले के साइज के बारे में। तो इस स्मार्टफोन में आपको 6.64 इंच की एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी, जिसमें आपको जो डिस्प्ले के रिफ्रेश रेट मिलेंगे वो 90Hz रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिलेंगे, और इसमें आपको पंच होल वाली डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी। आपको सेंटर में एक होल देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको इसका फ्रंट कैमरा देखने के लिए मिलेगा, तो आपको पंच होल वाली डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी वन प्लस के 8 लाइट में। उसके बाद हम बात करें इसके कैमरास की, तो पीछे वाली साइड आपको 3 कैमरास देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें जो मेन कैमरा सेंसर होगा वो 48 मेगापिक्सल का होगा, जिसमें आपको सोनी का MX586 वाला सेंसर दिया जाएगा। 12 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो लेंस मिलेगा, जो एक जूम लेंस का काम करेगा। 16 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद हम बात करें इसके फ्रंट कैमरा की, तो आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने के लिए मिलेगा वन प्लस के 8 लाइट में। उसके बाद हम बात करें इसके प्रोसेसर की, तो मीडियाटेक का डोमेस्टी 1000 स्मार्टफोन में आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कंप्लीट कर सकता है स्नैपड्रैगन के 865 को। तो गाइस, ऑलमोस्ट आपको दोनों में ही सेम परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल सकती है, स्नैपड्रैगन के 865 और मीडियाटेक के डोमेस्टी 1000 की। जबकि जो मीडियाटेक का 1000 डोमेस्टी होगा वो 5G के साथ आता है, और स्नैपड्रैगन का 865 है वो भी 5G के साथ आता है, तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स 5G का सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा वन प्लस के 8 लाइट में, तो ये काफी अच्छी बात है। उसके बाद हम बात करें इसकी बैटरी की, तो इस स्मार्टफोन में आपको जो बैटरी मिलेगी वो 4000mAh की बैटरी देखने के लिए मिलेगी, जिसमें आपको 30W की रैप चार्जिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा, जो वन प्लस की आपको ऑफिशियल चार्जिंग देखने के लिए मिलती है। उसके बाद हम बात करें इसके रैम एंड स्टोरेज वेरिएंट की, तो इस स्मार्टफोन में आपको जो रैम एंड स्टोरेज मिलेंगे वो 2 वेरिएंट देखने के लिए मिलेंगे, एक 8GB की रैम, 128GB की स्टोरेज, 8GB की रैम, 256GB की स्टोरेज। उसके बाद हम बात करें इसकी प्राइस की, तो इस स्मार्टफोन की जो प्राइस होगी वो आपको 30 से लेकर 33,000 के बीच में देखने के लिए मिलेगी। तो गाइस, इस स्मार्टफोन की जो लॉन्च डेट होगी वो भी आपको अप्रैल या मई के मंथ में देखने के लिए मिल सकती है इंडिया में। तो गाइस, देखते हैं कि वन प्लस का 8 लाइट लॉन्च होता है या नहीं होता, बट ऐसे लीक्स आ रहे हैं कि ये जो स्मार्टफोन है वो सिर्फ अनएक्सपेक्टेड बताया जा रहा है, ऐसा ऑफिशियल वन प्लस ने कंफर्म नहीं किया कि वो वन प्लस की कोई लाइट सीरीज भी लॉन्च करेंगे। तो गाइस, देखते हैं कि ये जो स्मार्टफोन होगा वो लॉन्च होगा या नहीं होगा। तो गाइस, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि अगर ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होता है तो आप इसे लेना पसंद करोगे या नहीं करोगे, और आपके क्या एक्सपेक्टेशन है स्मार्टफोन के रिलेटेड, तो गाइस नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो गाइस, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और साथ लगे बेल को दबा दीजिए, ताकि आप आने वाले अपडेट्स को मिस ना करें। थैंक यू।